इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। भारतीय मीडिया की चीखते हुए रिपोर्टिंग ने पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की नाक कटवा के रख दी। आप भी भारतीय मीडिया की चीखते हुए रिपोर्टिंग तो सुनिए। दुश्मन का काल स्वदेशी अर्जुन टैंक MK-1A की 118 यूनिट खरीदने को लेकर रक्षा मंत्रालय ने भी अब मंजूरी दे दी है, जो चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस खरीद को अहम बताया जा रहा है। भारतीय सेना और ज्यादा ताकतवर होने जा रही है, जिसने चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं। दरअसल भारत सरकार थल सेना के लिए नई क्षमताओं से लैस 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A खरीदने जा रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A मुख्य युद्धक टैंक के 118 यूनिट को खरीदने की मंजूरी दे दी है। 7523 करोड़ रुपए की लागत से हैवी व्हीकल फैक्ट्री अर्जुन Mk-1A की 118 यूनिट का निर्माण करेगी। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस खरीद को अहम बताया जा रहा है। अर्जुन MK-1A की दमदार खासियत की बात करें तो अर्जुन भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसका डिजाइन पूरी तरह स्वदेशी है। ये टैंक अर्जुन MK-1A का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इस टैंक में अत्याधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा अर्जुन 7 के टैंकों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। अर्जुन MK-1A दुश्मन के ग्रेनेड और मिसाइल हमलों को भी झेलने में सक्षम है। इस टैंक के बाहरी हिस्से में रिएक्टिव आर्मर लगे हैं, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल या रॉकेट के प्रभाव को अपने ऊपर झेल कर कम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह कीजिएगा। और इसके साथ ही, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।